तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं बहुत अच्छे हो गए आप लोग। हर्षु व्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइज, अभी छठ आने वाला है, दिवाली खत्म हो गया। जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँगा तो आई थिंक छठ आ चुका होगा, तो आप लोग को हैप्पी छठ। और हाँ जी, आज मैं एक ये वीडियो, आप लोग थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, ये वीडियो मैं एक फ़ोन के अनबॉक्सिंग पे करने वाला हूँ। ये व्लॉगिंग चैनल आई नो, बट मैं फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि ये फ़ोन मैं बहुत ज़्यादा टाइम से खरीदने वाला था बट नहीं खरीद पा रहा था कुछ इशू की वजह से। इस फ़ोन के लिए मैंने कुछ पैसे वगैरह जमा किए थे पहले से, और अभी फाइनली मैं ये फ़ोन ऑर्डर करने वाला हूँ। बीबीडी में मैंने ऑर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम कंप्लेन आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो फ़ोन आ रहे थे बहुत कम रेंज में आ रहे थे। आईफोन 14 या अप्रॉक्स 50K तक में आ रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आ रहा था, जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पे कुछ ग्रीन लाइनिंग समथिंग ऐसा। आप लोग भी बहुत सारे वीडियो इस चीज़ पे देखे होंगे, इस वजह से मैं ये फ़ोन उस टाइम मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो फाइनली अब मैं ये फ़ोन ऑर्डर करने वाला हूँ, आईफोन 14। हाँ, ऑफलाइन मैंने पता किया, जियो स्टोर और आईटेक वगैरह में जाके मैंने पता किया, तो ये फ़ोन 68 का आ रहा है। स्टोर ऑफर 3000 ऑफ मिल जाएगा आप लोग को, और अगर आपके पास HDFC कार्ड है 3000-4000 और डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रॉक्स आपको 62 या 63 के अप्रॉक्स ये ऑफलाइन पड़ जाएगा आप लोग को, और ऑनलाइन में मैंने अभी चेक किया तो अप्रॉक्स 60K आ रहा था। तो मैं फ़्लिपकार्ट से ही ले लूँगा, अमेज़ॉन में महंगा रहा था, फ़्लिपकार्ट में थोड़ा सा सस्ता आ रहा है, तो मैं अमेज़ॉन से ही फ़्लिपकार्ट से ही लूँगा फ़ोन। और ऑर्डर करते हैं फ़्लिपकार्ट से, और फ़ोन और चार्जर दोनों साथ में ऑर्डर करना पड़ेगा। चार्जर अलग से लेंगे क्या ही फायदा, 1700 का चार्जर है तो क्यों ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी। हाँ जी, तो देख लो, एप्पल स्टोर पे ये फ़ोन आ रहा है 69,900 का, मतलब 70,000 आईफोन 14, ठीक है। एप्पल स्टोर पे इतना महंगा आ रहा है, और मैं एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट मैं फ्लिपकार्ट पे चेक करता हूँ। फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस एक्चुअली 60K पर रहा है, मतलब 61,000 के अप्रॉक्स पर रहा है, और बाकी बैंक वगैरह ऑफर है उसमें कार्ड वार्ड लगाओगे तो ठीक है, और EMI पे लोगे तो आपको 6,728 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, और नो कॉस्ट EMI पड़ेगा आपको अगर इसका लोगे तो। और अगर ज़्यादा मंथ वाला लोगे तो उसमें कॉस्ट पड़ सकता है, मतलब इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं इसी से ऑर्डर करता हूँ, और मैं ब्लू ऑर्डर करूँगा, ये वाला ब्लू 5G, तो ये ऑर्डर कर लेता हूँ मैं ब्लू वाला। हाँ जी, तो मैंने फ़ोन अडाप्टर दोनों ऑर्डर कर दिए हैं, सो एक से दो दिन में दोनों फ़ोन अडाप्टर दोनों आ जाएगा, तो एक से दो दिन का वेट करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग वगैरह सब करेंगे, क्या क्या आएगा उसमें और क्या क्या फ्यूचर्स वगैरह है उसमें, सब अनबॉक्सिंग के टाइम ही बता देंगे, ठीक है। चलो, एक से दो दिन का वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस, हमारे पास ये दोनों बॉक्स आ चुके हैं। 3 दिन का समय लगा डिलीवरी का, जिसमें मेरे को ये तीसरे दिन पर ये डिलीवर्ड हुआ है, और ये दूसरे दिन में, मतलब एक दिन पहले ही मेरे को ये डिलीवर्ड हो गया था। एक है अडेप्टर और दूसरा है फ़ोन, और फ़ोन आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। मैंने ये सील खोल दिया था क्योंकि उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी था, डिलीवरी पार्टनर खोलता है उसका फ़ोटो वगैरह और साथ में फ़ोटो वोटो लेता है, तो उस वजह से मैंने पहले खोल दिया है। तो गाइस, आइए दोनों को अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या आता है। सो गाइस, आइए इस दोनों बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले मैं इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ऑलरेडी ये पैक सील खुला हुआ है, ठीक है, बट मैं फिर से खोल के दिखा देता हूँ आपको। इसमें एक ऑलरेडी देखो सील रहता है, उसमें ये फ्लिपकार्ट का स्टिकर रहता है, तो ये सील ऑलरेडी है इसमें, और ऊपर से ये स्टिकर रहता है, तो ये ऑलरेडी से खुला हुआ है। और दूसरा सील यहाँ है, और मैंने कलर कौन सा किया आप लोगों को तो पता ही होगा, बाकी मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं ये फिर से लगा दिया था क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। सो देख लो, ये फ़ोन इसका देख लो कलर वगैरह कैसा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो सही लगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और फ़ोन के साथ मेरे को मिला है ये एक USB केबल, ठीक है, USB केबल, और ये आईफोन वाला केबल है। और दूसरा मेरे को ये गाइड वगैरह कुछ मिले हैं, जिसमें मेरे को कुछ एप्पल का स्टिकर एंड कुछ गाइड मैनुअल वगैरह मिलते हैं, और एक ये पिन सिम वाला खोलने वाला पिन मिलता है मेरे को, यहाँ पे एक सिम टूल है ये खोलने वाला, ठीक है। और डब्बा के साथ मुझे बस इतना ही चीज़ मिला है, और इसको अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं, खोलते हैं दूसरा बॉक्स जिसमें मेरे को अडेप्टर मिला है।
और छठ का गाना बज रहा होगा आप लोग को, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि छठ आ चुका है। आज 17 तारीख और आज से छठ स्टार्ट है। बैकग्राउंड में आपको छठ का सॉन्ग भी सुनाई दे ही रहा होगा। कल्जा भाई, हाँ जी, तो ये है, मेरे को मिला है एक, इसको मैंने अलग से परचेस किया था, जो कि अडैप्टर आईफोन का 20 वॉट का पावर अडैप्टर है। इसको खोलते हैं और दिखाते हैं। हाँ, तो मेरे को इसके साथ भी यूज़र मैनुअल गाइड कुछ मिलते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अपने को, इसका भी घंटा ज़रूरत नहीं है और इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे साथ में ये मिला है एक अडैप्टर, ठीक है, फ़ोन और अडैप्टर मिला है मेरे को, जिसमें आपको फ़ोन के साथ बस एक ये केबल मिलता है, चार्जिंग केबल। हाँ भाई, हाँ, ये चार्जिंग केबल मिलता है और फ़ोन मिलता है, और इसको आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। और इसका कुछ मैं फ़ोटोज़ वगैरह डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैंने तो ये आईफोन ले लिया है, मुझे यूट्यूब के लिए ही मेन स्पेशली चाहिए था ये आईफोन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके बारे में अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं 50 दिन का रिव्यू दूंगा, मुझे ये फ़ोन 50 दिन यूज़ करके कैसा लगा, इसमें क्या क्या खराबी है, मतलब जो मुझे पसंद नहीं आए और यूज़फुल नहीं मेरे को लगा, जो कि एंड्रॉयड में होता है। और इसका वीडियो वगैरह तो बहुत ही अलग लेवल का आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।